नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के जो बेहतरीन स्टॉक्स है उसके बारे में। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, लेकिन दोस्तों इस सेक्टर के भी स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, जो कि आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। काफ़ी सारे बेहतरीन स्टॉक्स हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर में, जिसमें से सबसे पहला बैंक है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, अगर आप लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी काफ़ी बेहतरीन है। आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न दिया है ये बैंक 36% का रिटर्न, जो कि काफी बेहतरीन है। अगर आप वन ईयर में देखेंगे तो वन ईयर में ये लगभग फ्लैट है, मतलब आपको अभी भी ये शेयर प्राइस जो है काफी नीचे वैल्यूएशन में मिल रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म रहे हैं इस पैंडेमिक के कारण। लेकिन जो बैंकों के रिजल्ट है, जो अच्छे बैंक है हमारे कोटक बैंक, HDFC, ICICI बैंक, इसके रिजल्ट काफी बेहतरीन आ रहे हैं, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे भी। जो HDFC बैंक है उसका रिजल्ट आया है जो कि काफी बेहतरीन है, प्रॉफिट में काफी जंप हुआ है। अगर 5 ईयर्स में रिटर्न की बात करें, 5 ईयर्स में और बेहतरीन रिटर्न दिया 195% का रिटर्न। साथ ही साथ इन सब स्टॉक्स जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, आप काफी सिक्योर आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि ये सारे जो बैंक है हमारे इंडिया के लीडिंग बैंक है। और आप कोई भी काम हो, कमर्शियल हो, फाइनेंशियल हो, वो हमारा नहीं चल सकता विदाउट बैंक के। तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक भी काफी इंपॉर्टेंस होते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा रिटर्न देंगे। साथ ही साथ जब भी इसमें मार्केट में गिरावट आता है तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर के ही स्टॉक गिरते हैं। तो जिस तरीके 2008 में इस बैंक का शेयर होकर करता था 344 रुपीज, वहां से गिरकर के स्टॉक मिल रहा था मात्र 75 रुपीज में। वही इस बार के पैंडमिक में भी हुआ, ये स्टॉक लगभग पहले था 1685 रुपीज में, और गिरने के बाद ये जो पैंडमिक में मिल रहा था तो वो आपको सिर्फ 1160 रुपीज पर। तो दोस्तों जब भी पैंडमिक आए तो बाय ऑन डिप्स करना है, मतलब जब भी मार्केट में क्रेश आए तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक जो है करेक्ट होते हैं, तो वहाँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है हमारे लिए उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। तो बैंकिंग सेक्टर के भी स्टॉक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, और ये जो बिजनेस है वो हमेशा चलने वाला है, चाहे हमारा सिचुएशन कैसा भी हो। क्योंकि जो कमर्शियल वर्क है, जो हमारे डेली लाइफ के काम है, वो विदाउट बैंक नहीं हो सकते। हमें एक दूसरे जगह अगर मनी को ट्रांसफर करना है, अपना सेविंग रखना है, तो हर चीज़ बैंक के थ्रू ही होगा। तो जो प्राइवेट बैंक है वो काफ़ी बेहतरीन है, और जो PSU स्टॉक है जिसमें से SBI हो गया, हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, PNB हो गया, तो ये आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं देंगे, क्योंकि PSU स्टॉक मुख्य रूप से कंट्री को सर्व करने के लिए, मतलब जो सेवा है देश का, सेवा के लिए वो काम किया जाता है, और उसमें बहुत सारे फ्रॉड के न्यूज भी आते हैं जिससे हमारा बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पाता है PSU स्टॉक। जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है इसमें आपको काफी कम फ्रॉड देखने मिलेंगे, नहीं के बराबर आते हैं। ऐसे में जो प्राइवेट बैंक है उसके रिजल्ट काफी बेहतरीन आते हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं लॉन्ग टर्म में। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो ये भी काफी बेहतरीन मतलब रिजल्ट दिया है इस बार के क्वार्टर में भी। और रिटर्न की बात करें तो देखिए 1999 से 2001 में ये 28,000% का रिटर्न दिया है। तो जो ब्लू चिप कंपनियों का स्टॉक है उसमें से ये सारे स्टॉक काफी बेहतरीन है, जिसमें से आप चाहे तो बैंकिंग सेक्टर के 2 स्टॉक चुन सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे। इस वीडियो में हम आपको कई सारे स्टॉक्स बताएंगे। तो आपका जो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो का, जिसमें से आपको 60% लार्ज कैप रखना है, 20% मिड कैप रखना है, फिर 20% स्मॉल कैप रखना है, 1-2% आपको जो छोटे छोटे पैनी शेयर्स है वो भी रख सकते हैं। अभी HDFC बैंक का करेंट प्राइस है 1467 रुपीज। ये स्टॉक जब 800 का हुआ करता था उस समय भी मैंने आपको बताया था, उस समय भी बनाया था कि जो प्राइवेट सेक्टर के 5 जो अच्छे बैंक है उसके बारे में वीडियो बनाया था। अगर आपने वहां पर इन्वेस्ट किया होगा तो काफी अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा होगा। तो जो अच्छे स्टॉक है ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, मतलब आप इसमें कोई भी फियर, मतलब कोई भी डर नहीं रहेगा आपके पास कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखें। लेकिन जो छोटे स्टॉक होते हैं आप जब उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप काफी ज्यादा पैनिक होंगे कि वो जो स्टॉक होते हैं छोटे स्टॉक, अगर कंपनी थोड़े से भी डेट टू बटन उस पर बढ़ जाता तो फिर आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जितना कि ये सारे आपको स्टॉक्स देंगे। ICICI बैंक देखिए ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, और ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अंडर वैल्यूड, क्योंकि ये स्टॉक जो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिए जाते जितने HDFC बैंक को हम लोग देते हैं, कोटक बैंक को देते हैं। तो ये स्टॉक देखते हैं ये भी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है, 12,000% का रिटर्न है 99 से लेकर के 2021 में। साथ ही दोस्तों बात करें, ये वर्ल्ड के सबसे
बेहतरीन बैंकों में से है, जो कि वर्ल्ड वाइड काफी मतलब अच्छा इनका ब्रांचेज है, कई सारी कंट्रीज में इनके बिजनेस है, बैंकिंग सेक्टर के वर्ल्ड वाइड दूसरे सबसे बेहतरीन स्टॉक में आते हैं। तो ऐसे स्टॉक आपको जब मिल रहे हैं तो आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसे आप बिना किसी डर के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। इस लिस्ट में हमारा अगला जो प्राइवेट बैंक है वो है एक्सिस बैंक। तो हमारे चार जो महत्वपूर्ण बैंक है जो कि हमारे लार्ज कैप बैंक के स्टॉक्स है वो है HDFC, ICICI, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी काफ़ी बेहतरीन है, तो एक्सिस बैंक देख लीजिए, ये भी हमारे लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। यहाँ से देखते हैं तो 99 से लेकर के अभी तक की बात करें तो 19,000% का रिटर्न। दोस्तों एक भी आपको जो चार स्टॉक है इसमें से कोई कम एक दूसरे से दिखाई नहीं दिया, थोड़ा सा कोई ज़्यादा रिटर्न दिया, कोई थोड़ा सा कम, लेकिन काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो साथ ही साथ ये आप समझिए हमारा मार्केट है बैंक निफ्टी जो मूव करेगा ऊपर, तो किसके कारण मूव करेगा? इन्हीं सारे स्टॉक्स के कारण, जिसमें HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, SBI का है, ICICI का है, एक्सिस का है। तो जब ये सारे स्टॉक मूव करेंगे तभी हमारा इंडेक्स मूव करेगा। अभी जो करेंट प्राइस है एक्सिस बैंक का वो है 6,074 रुपीज, और ये भी बैंक मैंने बताया था जब ये काफी मतलब 400 से भी नीचे का हुआ करता था, ICICI बैंक ये 300 से नीचे का हुआ करता था, और अभी आप देखते अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल रहा होगा, 541 रुपीज पे है। तो जब भी गिरावट आता है, मार्केट में करेक्शन आता है, तो आप देखिएगा ये सारे बैंक के स्टॉक जो है काफी तेजी से गिरते हैं, और वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है आप इसमें इन्वेस्ट करें। अगला हमारा जो बेहतरीन बैंकों की लिस्ट में है वो है इंडसइंड बैंक। ये भी काफी बेहतरीन बैंक है, इसका करेंट प्राइस देख लीजिए 967 रुपीज है, और ये भी स्टॉक बेहतरीन रिटर्न दिया, लेकिन यहाँ पर जो कोई मतलब स्कैम नजर आने के बाद ये स्टॉक जो क्रेश हुआ है 2,000 रुपीज से ये स्टॉक आ चुका था आपका देख लीजिए 400 रुपीज पर, और फिर से ये देख सकते हैं 1,000 के आसपास जा चुका है, और आने वाले समय में ये फिर से आपको 2,000 का लेवल दिखाएगा। यहाँ पर देख लीजिए इसका जो रिटर्न था उस समय 7,000% का था, 99 से 2018 तक में 7,000% का रिटर्न। तो ये भी स्टॉक काफी बेहतरीन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो बेड न्यूज था उसके बाद जो स्टॉक क्रेश हुआ काफी तेजी से, तो थोड़ा सा आपको इसमें अवेयर रहना पड़ेगा। इसमें जो स्टॉक अगर वो शॉर्ट आउट हो जाता है, अगर कंपनी का फंडामेंटल्स काफी सॉलिड रहता है, तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इस लिस्ट में हमारा जो इस सेक्टर के छोटे स्टॉक है, ये तो पांच आपको लार्ज कैप स्टॉक्स हो गए, उसके बाद हम चलते हैं जो मिड कैप स्टॉक्स है। तो इसमें आपको IDFC फर्स्ट बैंक सबसे पहले आता है। काफी ज्यादा आप न्यूज सुनते होंगे कि ये अगला HDFC बैंक बनेगा हमारे इंडिया का, और इसमें तेजी भी देख लीजिए एक दिन में 5% का। और ये स्टॉक जब आपका 20 रुपीज का हुआ करता था उस समय मैंने बताया था कि आप IDFC फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ फेडरल बैंक भी बताया था, तो वो भी स्टॉक आगे आएगा। तो ये स्टॉक लेकिन काफ़ी अंडर परफॉर्म है, लेकिन कंपनी के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है, पैंडमिक में भी रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आया, तो आने वाले समय हो सकता है ये अच्छा परफॉर्म कर सके, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। जो स्टॉक लिस्ट हुआ था 70 रुपीज पर हुआ था, और अभी आप देख सकते हैं 48 रुपीज पे है, लेकिन कंपनी के रिजल्ट पे आप ध्यान रखिए, अगर कंपनी लगातार अच्छा रिजल्ट देती है, अच्छा परफॉर्म करती है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट में अगला है हमारा फेडरल बैंक। ये भी बैंक काफ़ी बेहतरीन है, और फेडरल बैंक इसका करेंट प्राइस है 73 रुपीज, और ये भी स्टॉक पहले देख सकते हैं कि 100 के ऊपर हुआ करता है स्टॉक प्राइस, और अभी आपका जो ये पैंडमिक में मिल रहा था मात्र 40 रुपीज़ के आसपास, उस समय मैंने आपको बताया था, रिकमेंड भी किया था। ये भी बैंक काफ़ी बेहतरीन, इसके भी रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक दोनों के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं, और दोनों ऐसा आशा किया जाता है कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो बैंक निफ्टी उसके रिटर्न को बीट करेंगे, मतलब जो लार्ज कैप स्टॉक से उससे ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न देंगे आने वाले समय में। अगर इसका रिटर्न की बात करें तो एक समय ये 11,000% का रिटर्न दे रहा था, देख सकते हैं 2001 से 2017 के बीच, अभी भी ये 6,000% का रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। और इसी लिस्ट में सबसे जो बेहतरीन बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, जो काफ़ी अच्छा बोनस देता है, डिविडेंड भी देता है, वो है करूर विद्या बैंक। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन ये कई सालों से काफ़ी अंडर परफॉर्म है, 2017 से ये स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म है, देख सकते हैं ये 20 रुपीज़ का स्टॉक बन चुका है, जबकि ये स्टॉक हुआ करता था 130 रुपीज़ का, वहाँ से ये मात्र 20 रुपीज़ पा चुका था, जो कि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी था आपके इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ये भी बैंक काफ़ी अच्छा रिजल्ट पेश कर रहा है, लेकिन जो स्टॉक है उस अनुसार से परफॉर्म नहीं कर रहा है। ऐसे भी बैंक कई सारे स्टॉक काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म है। अगर 99 से अगर 17 तक का रिटर्न देखेंगे 10,000% का है, साथ ही साथ ये कंपनी बोनस भी काफ़ी अच्छा देता है अपने इन्वेस्टर को, काफ़ी अच्छा बोनस दिया, और वहाँ से देखिए अभी भी ये स्टॉक जो है 62% डिस्काउंट पे मिल रहा है।
तो अभी भी अपॉर्चुनिटी, आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक है, ये सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग स्टॉक्स है जो कि अच्छे स्टॉक है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी भी काफ़ी अच्छे वैल्यू पर मिल रहे हैं, आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो PSU स्टॉक है उसमें SBI में आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उतनी अच्छी रिटर्न नहीं मिलेंगे जितने कि आपको प्राइवेट सेक्टर के बैंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपका सुझाव हो और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको ₹20 पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ ₹20 पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।